हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज है शनिवार, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं अभी लेट के उठी हूँ। मैं अभी टीवी चला रही हूँ, टीवी में गाना चला दूँगी, फिर जो घर के काम है वो करूँगी, क्योंकि गाना चलने से एनर्जी आती है शरीर में काम करने के लिए। तो मैं इसलिए अभी टीवी चला दी हूँ और जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन धो के मैं सोहम को बुलाने जाऊँगी, जो कि बाहर खेल रहा है। वो आएगा शाम को कुछ खा के, फिर पढ़ने बैठेगा और वो पढ़ाई करेगा। मैं इधर खाना बना लूँगी रात का। खाना पीना हो गया है और अभी मैं सब्जियां छील रही हूँ। सब्जियों में मैं बनाऊँगी आज आलू और तुरई की सब्ज़ी। तो आगे मैं उसका छिलका निकाल लूँगी। छिलका निकालने के बाद मैं सब्जियों को अच्छे से धो रही हूँ। सब्जियों को धो के और एक साइड कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गरम होने के लिए। तो सब्जियाँ मैं धो ले रही हूँ। अब मैंने कढ़ाई में डाला है तेल, सरसों का तेल से मैं खाना बनाती हूँ। जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, मैं हरी मिर्च को अच्छे से धो के और काट लूँगी। उधर तेल गर्म हो गया तो मैं उसमें डालूँगी जीरा और पचफोरन। जीरा पचफोरन चटकने के बाद मैं उसमें सब्जियों को डाल दूँगी। और सब्जियां डालने के साथ ही मैं नमक डाल देती हूँ ताकि सब्जियां जल्दी पक जाएं। तो ये मैंने सब्जियों को अच्छे से चला के नमक डाल के फिर मैं उसको ढक दूँगी। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से चलाऊंगी सब्जी को। और अभी मैं इसमें बेसिक से मसाले डाल लूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब डाल के फिर से चला के उसको ढक दूँगी। फ्लेम मैं गैस का थोड़ा कम कर दूँगी ताकि सब्जियाँ अच्छे से पक जाएं और जले ना। और इधर देखिए, सोहम का एग्ज़ाम चल रहा है तो वो पढ़ाई करने बैठा हुआ है। इंग्लिश ग्रामर एग्ज़ाम है तो वो अभी कुछ याद करने को मिला है, वो याद कर रहा है बैठ के। और इधर मैं आ गई हूँ अपने किचन की तरफ, तो देखती हूँ सब्जी कहाँ तक पकी है और कितना बाकी है सब्जी बनने। तो लगभग हो चुकी है सब्जी, बस आलू थोड़ा सा और पकेगा फिर हमारी सब्जी बन जाएगी। और सब्जी बनने के बाद मैंने रोटी बना लिया था।
रोटी बना के फिर हम खाना खा लिए। सोहन के पापा आज आए नहीं, उनके कंपनी में काफ़ी काम था तो वो वहीं पर रह गए रात में। तो